हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अभी ना मॉर्निंग का टाइम है, मैं नहाकर आ गई हूँ। मैंने मॉर्निंग में झाड़ू लगाया और उसके बाद झाड़ू, डेली का मेरा यही रूटीन है। मैं सुबह उठती हूँ तो और सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ और फिर मैं डायरेक्ट नहाकर फिर किचन में जाती हूँ। तो मैं नहाकर किचन में आ गई हूँ और एक तरफ मैंने दाल डाल दी है कुकर में और मम्मी आटा माड़ रही थी। और मैंने यहाँ मैं दाल में डालने के लिए नमक और हल्दी ले लिया है। और मैं हल्दी दाल में डेली मैं डालती ही हूँ क्योंकि इससे कलर चेंज होता है और हल्दी हमारे लिए सेहत के लिए अच्छी भी होती है। तो हम लोग नाइट में जब दूध पीते हैं तो हल्दी थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी डालकर डेली यूज करते हैं हल्दी वाला दूध। और बस मैं हल्दी और नमक डाल दूंगी दाल में, कुकर बंद करके छोड़ दूंगी। और एक तरफ मैंने मीठी दलिया बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ पूरे मतलब जब तक दूध होता है हमारे घर में तब तक हम लोग दलिया घर पर बनाकर खाते हैं। तो ऐसे तो मैं दलिया गेहूं की घर पर ही पीसती हूँ मिक्सी जार में, पर इस टाइम जार सही नहीं था तो फिर चक्की पे पिसवाया था। तो मैंने आप लोगों को दिखाया भी था एक वीडियो में। और उसके बाद ये देखिए दलिया हमारी बन गई है। तो ये हमने दूध में पकाया है गेहूं को, गेहूं की दलिया है, इसको मैंने दूध में पका लिया है चीनी डाल के। और थोड़ा सा मैं पतली ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे पतली ही पसंद है। और बस दलिया हमारी रेडी हो गई है तो मैं इसको कटोरी में निकाल लूँगी सबके लिए। और मैं तो गरम गरम ही खाती हूँ क्योंकि मुझे दलिया गरम ही पसंद है। तो मैं अपने लिए लेकर आई हूँ इधर, और मैं पहले टीवी चला दूँगी। टीवी पर मैं भक्ति वाला चैनल लगा देती हूँ सुबह मॉर्निंग में। डेली मेरा ये काम है, मैं नहाकर जब आती हूँ तो फिर टीवी चला देती हूँ और इस पर भक्ति सॉन्ग बजते रहते हैं जब तक मेरा खाना बनता है तब तक। तो मैं मीठी दलिया पहले खा लूँगी और तब तक मेरी दाल भी पक जाएगी। फिर मैं एक तरफ चावल डाल दूँगी और एक तरफ रोटी सेक लूँगी। तो बस इस तरह से मेरा फटाफट से खाना बन जाता है डेली। और सुबह ही मेरे यहाँ भीड़ रहती है खाने की क्योंकि ऑफिस ले जाते हैं मेरे हस्बैंड खाना, तो इस वजह से ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। और फिर उसके बाद ना कोई काम नहीं रहता है। और मैं नवरात्र इस टाइम व्रत नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मुझे ना कुछ अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं एकदम ठीक हूँ, तो इस वजह से मैंने व्रत नहीं रखा है। और मम्मी ने व्रत रखा है, तो मम्मी ने दो व्रत रखे हैं, कल वाला थी और आज वाला है। और अब ये लास्ट वाला रहकर फिर उदयपुर मतलब हवन कर देंगी। तो यहाँ पर माता जी की जोत जल रही है, अखंड जोत है। और माता जी का स्थापना, कलश स्थापना यहाँ पर मम्मी ने किया है। और मैं व्रत रहने वाली भी नहीं थी और मुझे ना मेरे इससे पहले वाले जो नवरात्रि थी उसमें मैंने व्रत रखा था और मैंने 9 दिन तक अखंड दीपक जलाया था, एक बार भी बुझने नहीं दिया था। उसके बाद ना मेरे पापा की डेथ हो गई थी नवरात्र के बाद ही, तब से मेरा मन हट गया मेरा। उस तभी ना मेरा मन कर रहा था मैं व्रत नहीं रहूँगी, इस वजह से मैं व्रत और भी नहीं रह रही हूँ। मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं व्रत रहूँ। और ये देखिए ये सिंघाड़े हैं। तो अभी ना ठंडी का मौसम स्टार्ट हो गया है तो तालाब में सिंघाड़े भी हो गए हैं। और ये सिंघाड़े खाने के लिए हैं, अभी ये ना कच्चे हैं तो इनको कच्चे ही खाते हैं या फिर इनकी सब्जी बनाते हैं। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लग रहे थे, मीठे मीठे लग रहे थे, तो मैं यहाँ पर सिंघाड़े खा रही थी। मुझे सिंघाड़े बहुत पसंद है, कच्चे भी पसंद है, सब्जी भी पसंद है। और इनको जब ये कड़े हो जाते हैं तो उबाल कर खाते हैं नमक के साथ, चाय के साथ, तब तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और मेरे अंश को ना उबले हुए अच्छे लगते हैं, उसको कच्चे नहीं पसंद हैं, पर मुझे सबसे ज़्यादा कच्चे सिंघाड़े ही पसंद हैं। तो मैंने यहाँ पर खा लिया है। और उसके बाद ना ये थोड़ी सी दाल हमने कल मंगवाई थी, हस्बैंड को बोल दिया था क्योंकि दाल ख़त्म हो गई थी बाल्टी में। और तो मैंने यहाँ पर वो 2 किलो दाल लेकर आए थे और आज लेकर आएंगे। कल मैंने अर्जेंट में ही फ़ोन करके बोला था तो फिर वो रात में लेकर आए थे। तो इसको मैं पहले बीन लूँगी क्योंकि बनाने के टाइम इतना टाइम नहीं रहता है कि दाल या फिर चावल बीनूँ, तो मैं पहले ही बीन के रख लेती हूँ। और दाल को मैं हमेशा सुखा कर रखती हूँ बाल्टी में,
तो ये आज तो थोड़ी 2 किलो ही दाल है। जब ज़्यादा दाल लाते हैं तब भी मैं उसको बीन के और फिर धूप में डाल देती हूँ, और फिर एक दिन पूरा धूप में पड़ा रहता है, उसके बाद मैं रख देती हूँ उसको बाल्टी में। तो इसको भी मुझे धूप में डालना है, पर इस टाइम ना हमारे यहाँ बंदर हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसे डालना सेफ़ नहीं रहता है क्योंकि वो कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो मैंने इसको रख दिया, अभी मैं धूप में डाल दूंगी। और अंश यहाँ पर खेल रहे थे तो मुझे ना जुकाम मेरा तो ठीक हो गया है लगभग, बस हल्का फुल्का बचा है, वैसा भी अंश को जुकाम हो गया है। तो इनके लिए मैं पानी चढ़ाई थी गैस पर, क्योंकि अभी अंश को 4 बजे से ट्यूशन जाना है, तो उससे पहले मुझे इनको इनको मैंने नहला दिया है, रेडी भी कर दिया था, बस इनको मैं भाप दिला दूंगी और फिर दवा पिला दूंगी। तो इस तरह से ये इनको ना बुखार भी नहीं चढ़ेगा और इनको सांस लेने में भी दिक्कत नहीं रहेगी, तो पढ़ने में मन लगेगा। तो मैं इनके लिए भाप का पानी लेकर आती हूँ, फिर मैं उसमें विक्स डालूंगी। और इवनिंग का टाइम हो गया है, तो इवनिंग के टाइम फिर से ना एक बार झाड़ू लगाना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ ना 2 टाइम झाड़ू लगता है, एक बार मॉर्निंग में लगाती हूँ, उसके बाद एक बार इवनिंग में लगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कूड़ा करकट नहीं है। इस टाइम उसको दवा देना पड़ता है 1.5 घंटे पे, तो उसकी पुड़ियाँ हैं और यही सब है पन्नी वन्नी, तो ये मैं डेली लेकिन 2 टाइम तो झाड़ू लगाना ही पड़ता है। तो बस झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद मैं अपना फेस वॉश करूँगी, हाथ पैर धुलूँगी और अपना बाल वाल में खींचूँगी, क्योंकि कल मैंने हेयर वॉश किया था तो अभी मैंने बाल ऐसे ही जूड़ा बना के छोड़ दिया था। तो अभी ये झाड़ू झाड़ू का ये काम हो जाएगा, फिर मैं हाथ पैर धुलने के बाद बाल बाल खींच लूँगी। तो अंश को मैंने दवा पिला दी है, और अभी ये जब तक पढ़ के आएंगे तब तक इनके दवा का दूसरा टाइम हो जाएगा। तो 1.5 घंटे पे दवा देनी होती है, तो ये तब तक आएंगे तब तक फिर से मैं इनको दवा दे दूंगी। और अब मैं जा रही हूँ छत पे, तो यहाँ पर मैं आई थी, तो छत पे ना दाल मैंने डाल रखी थी, मैंने ऐसे ही तसले में रख दिया था, और दाल एकदम गर्म हो गई है, खूब बहुत तेज़ धूप थी, तो इसमें ना चींटी हो गई थी, वही मैं देख रही थी। तो इसको बाल्टी में मैं भर कर छोड़ दूंगी और अभी इसमें ढक्कन नहीं लगाऊंगी, तो जो एक आधी चींटी है वो निकल जाएंगी। उसके बाद दाल को मैं रख दूंगी, और जो आज लेकर आएंगे सामान वो मैं कल धूप में डालूंगी। तो इससे ना बरसात का टाइम है तो सामान ज़रा धूप में डाल दो तो सही रहता है। और चीनी भी ख़त्म हो गई थी जंगल में, तो आज से चीनी भी लाएंगे, तो इसको मैंने सोचा धुल के मैं धूप में सुखा दूंगी कल, फिर चीनी रखूंगी, क्योंकि इसमें ऐसे पेपर नीचे पड़ा नहीं था
और बरसात का मौसम था तो फिर सहला गई थी, चीनी सब लग गई थी। तो इसको मैंने धुल के डस्ट उसमें दाना वाली बाल्टी में डाल दिया है और इसको धुल कर मैं अभी यहीं पर रख दूँगी आंगन में, क्योंकि शाम हो गया है। और फिर कल सुबह मैं मॉर्निंग में इसको ले जाकर धूप में रख दूँगी, और जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो मैं इसमें चीनी भरकर रख दूँगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अंश ट्यूशन से आ गए हैं तो उनको चाहिए चॉकलेट, तो मैं इनकी चॉकलेट खोलूँगी और बस सब अंश चॉकलेट खाएंगे खेलेंगे। तो ये था वीडियो, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक की बाय बाय।